हेलो टू ऑल माय लवली ऑडियंस, वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम आ चुके हैं क्लास 10th बायोलॉजी नेशनल साइंस ओलंपियाड में चैप्टर 2 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखो हम क्या देखेंगे कि आगे जो कहानी आने वाली है, जैसे मूवी होती है, मूवी में ट्रेलर वगैरह देखते हो कि नहीं, तभी जाते हो ना मूवी देखने। सो दिस इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक अ ट्रेलर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। सो वील जस्ट हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन कि भाई क्या क्या आगे देखना है, कैसी प्रोसेस चलेंगी। वीडियो को बेटा एंड तक देखना तो समझ आए भाई आगे कहानी क्या है, बिकॉज जो बेसिक्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वो हम इसी में कवर करेंगे। सो आई होप आप बिल्कुल सब तैयार हो अपने पेन एंड पेपर के साथ। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रख्यानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टिल 12। सो लेट्स स्टार्ट। आओ भाई कहाँ से शुरुआत करनी है, इंट्रोडक्शन से नहीं, मेरा तो हो गया, चैप्टर का करना है। व्हाट इज द चैप्टर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो देयर इज अ रीजन फॉर व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आफ्टर द फर्स्ट वन। फर्स्ट चैप्टर क्या था? अरे कुछ याद है कि नहीं, लाइफ प्रोसेसेस देखा था, हर प्रोसेस को एक अलग अलग वीडियो में देखा था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। नाउ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम एक सिस्टम तो रह गया। अरे लग रहा था कि नहीं, एक सिस्टम तो रह गया सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जितने सिस्टम्स देखे थे ना पहले, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इन सबकी गाड़ी कौन चला रहा था? ड्राइवर तो भूल ही गया, गाड़ी कौन चला रहा था? इन सबकी गाड़ी चलाता है हमारा ये ब्रेन, नर्वस सिस्टम। तो हम खा गए, अरे खाए नहीं थे, वो इतना इम्पॉर्टेंट है दैट वी हैव पुट अप इट इन अ डिफरेंट चैप्टर, एक पूरा ही चैप्टर बना डाला इस पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो यानी समझ गए इम्पोर्टेंस कितना है, तो ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमें समझना है कि यार ये कहानी क्या है, हम क्या देख रहे हैं, कैसे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, स्टिमुलस वगैरह, बिकॉज ये वर्ड मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगी आगे व्हेन वील टॉक अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोनों में देखेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये कहानी देखेंगे, तो तब मैं ये वर्ड्स बोलूँगी और तब जाएगा सर के ऊपर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी समझ लो, इतना फिट बिठा लो। सो तब मैं ये जो है वर्ड्स डायरेक्टली यूज़ करूँगी। ऑलराइट, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? सो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मैं दिख रही हूँ आपको पलक मैम, खड़ी हूँ यहाँ पे, बोल रही हूँ। नाउ कंसिडर, अगर मैंने दिमाग में सोचा है एक लेटर, वो लेटर है ए, मतलब मुझे लिखना है ए, मैं क्या लिखूँगी? ए। हाँ पलक, आपको ए लिखना है। अरे ये क्या लिख दिया, ये तो मैंने बी लिख दिया, ये तो बी है। नहीं नहीं, मुझे तो ए लिखना है। बोलो ये ए नहीं है, ये तो डी है। तो फिर बोलो मैम ये क्या चल रहा है? मतलब मेरी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ये जो मेरा दिमाग सोच रहा है वो मेरा हाथ वैसे काम नहीं कर रहा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात समझ आई, यानी जो आप थिंक कर रहे हो वही उसी वे में आपके ऑर्गन्स वर्क करें, दैट वे यू कैन से कि हाँ भाई आपका जो है एकदम ठीक है, सब सही है। नहीं तो बोलते हैं ना किसी को इसका ये थोड़ा उड़ा हुआ है ना, बोलते हैं ना मैड पर्सन। क्यों कहते हैं मैड? बिकॉज देयर बॉडी डोंट कोऑर्डिनेट द वे दे वॉन्ट, इजंट इट? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा कहानी यही है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब दो तीन चीज़ों को मिला के जो है हम पूरी स्टोरी देखेंगे। तब तक के लिए जब से सब देख रहे होंगे कि ये बिल्ली दौड़ रही है मैम कहाँ जाने वाली है, बताती हूँ, एक मोमेंट उसको रुक जाओ, इधर आओ, लेट्स स्टार्ट। मेरा तरीका पता ही है, जिसको नहीं पता बता देती हूँ। व्हाट डू वी डू इज़ लाइक मेरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ, अलग अलग इंग्लिश में बोलूँगी, हिंदी में बोलूँगी, हर तरीके से आपको समझ आ जाए। वो कौन सी भाषा हुई? देसी भाषा। क्वेश्चन आएंगे क्या पलक मैम की भाषा में? नहीं, वो आते हैं इस लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज, साइंटिफिक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ गुड बैलेंस। बैलेंस समझते हो ना कैसे रखा जाता है, टू कीप अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्लियर है? तो हम यहाँ भी पढ़ेंगे और हम यहाँ भी सुनेंगे, दोनों चीज़ें साथ में चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ तो समझ लिया और यहाँ पे इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा? अरे ये पढ़ने का फ़ायदा ही क्या जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी इन इंग्लिश एंड दे इवन पुट अप सम मोर गुड टाइप ऑफ यू नो वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करते हैं। क्लियर है? यहाँ से शुरू कर सकते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट्स की कहानी थोड़ी समझ लो, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी एक कहानी क्या बोली कि मैंने दिमाग में ए सोचा, लिखा आ रहा है बी, तो ये क्या हुआ मेरी बॉडी से उठ के, ये जो ये से हाथ उठ के गया, ये क्या है? ये तो मूवमेंट हुआ,
ये क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट्स की कहानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद इट। मूवमेंट्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपिक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। क्या बोला है, जैसे मैंने बताया मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सभी लिविंग बींग्स का। सभी लिविंग बींग्स, बोलो मैम प्लांट्स तो चलते नहीं, आगे कहानी देखोगे अच्छे से समझ आएगा कौन से मूवमेंट की बेटा अपन बात कर रहे हैं। मूवमेंट यहाँ पे ज़रूरी नहीं, मूवमेंट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। मूवमेंट ज़रूरी नहीं कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करें कि यहाँ से वहाँ गई। मूवमेंट हेयर इज़ डिफरेंट। ये सवाल ज़रूर हो, जो सवाल होंगे वो मैं पहले ही बता दूंगी क्या आएंगे। वह प्लांट्स तो चलते फिरते नहीं हैं, आप मैम खुद ही बताते हो हर बार, तो अब कैसे मुकर रहे हो। अरे आई टोल्ड यू अगेन, मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स नहीं है चलने फिरने वाले, ये अलग है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। दे में भी दो टाइप के मूवमेंट देखे जाते हैं, ग्रोथ मूवमेंट नॉन ग्रोथ मूवमेंट। अपना पेन एंड पेपर में अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाया करो, क्लियर है कि नहीं। अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको लगे, इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस डाउन नो वरीज, अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो भी नो वरीज, बट जो जैसा बोलूं वैसा ही आना चाहिए, ठीक। तो मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ वाले मूवमेंट, एक होते हैं नॉन ग्रोथ। तो ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होते हैं अच्छे से सुनना। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई प्लांट्स चलते फिरते तो नहीं है, तो आपको लगता है मूवमेंट नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। सीड होता है, सीड बीज बोते हैं। अरे सीड बोते हैं कि नहीं प्लांट्स के अंदर, ओ सॉइल के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैसे होंगे। पलक मैम देखो, यहाँ मेरी बॉडी ने, जो मेरे मुंह ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली कहानी हिला दी। मैं सोच कुछ और रही थी, मैंने बोल कुछ और दिया, लाइव एग्जांपल, ठीक है। चलो भाई क्या बोलना चाह रहे थे हम, जो सीड्स होते हैं सॉइल के अंदर हम डालते हैं, तो इतना देखा है ये होता है छोटू सा सीड होता है, यहाँ पे छोटू सा, इतना छोटू भी नहीं भाई, इतना बनाओ कि दिख जाए इन बच्चों को, ठीक है। छोटू सा सीड होता है, बाकी सारी कंडीशंस मिलके वो इमर्ज आउट हो जाता है इन अ प्लांट। तो एक बात बताइए जरा मुझे, ये मूवमेंट हुआ कि नहीं, ये मूवमेंट हुआ कि नहीं भाई। वो अंदर था, रूट्स के अंदर था, सीड हमने डाल दिया था, उससे इमर्ज होते हुए यानी जर्मिनेशन हुआ और आ गया प्लांट। ये मूवमेंट हुआ कि नहीं, बिल्कुल इसे ही कह सकते हैं हम मूवमेंट। अब ये किस टाइप का मूवमेंट है, देखो पहले ये क्या था बेटा, पहले ये क्या था, अच्छे से समझना कहानी को। दो तीन बार अपन समझेंगे, आगे और एग्जांपल्स हैं, डरना नहीं। ये सीड है, ये सीड है, और ये पहले कैसे थी, देखो सीड है। नाउ ये किस में उग गया, प्लांट में। तो एक डिफरेंट चीज़, एक ग्रोथ नहीं हो गई, पहले इतू सा था अब थोड़ा बढ़ गया, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा कि नहीं, तो ग्रोथ हुई कि नहीं, मानते हो कि नहीं। तो सिमिलरली ये वही बात है, एक टाइप के मूवमेंट्स हो गए ग्रोथ। ग्रोथ वाले कौन से, जिसमें बॉडी का कोई स्ट्रक्चर चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस वी कैन से ग्रोथ मूवमेंट्स कैसे हुए, जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है, बोलते हैं ना बचपन में जो हाइट बढ़ती है, ये टाइप के मूवमेंट्स कैसे होते हैं ग्रोथ के, यानी पहले इतू सा। अरे वही रिश्तेदार रिलेटिव्स मिलते नहीं हो किसी फंक्शन में जाते हो, अरे इतू सा था जब मैंने देखा था, याद है मैं कौन हूँ, बोले कुछ नहीं याद है हमें, हम इतू से थे पर अब इतने बड़े हो गए। तो बड़े हो गए यानी क्या, हाइट बढ़ी है, आपकी बॉडी हेल्थ बढ़ी है, वेट बढ़ा है, तो ये सब क्या है, ये ग्रोथ के मूवमेंट्स है। इसमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है बॉडी में। ऑन द अदर हैंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो फॉर इंस्टेंस प्लांट्स वगैरह में देखो क्या होते हैं, फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूरिसा, सबसे बढ़िया प्लांट सबसे। अब आई डोंट नो कि ना ये वाले जो आप लोग हो, आप लोगों ने देखे हैं ये इन प्लांट्स, लेकिन हमारे बचपन में बहुत देखते थे टच मी नॉट प्लांट्स, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होते थे ये प्लांट्स। इसको आप क्या होते हैं, ये कैसे प्लांट्स होते हैं आगे देखेंगे इसकी कहानी। टच मी नॉट प्लांट होता है, इसको आप इसकी ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक मतलब टच करोगे लीव्स को, ऐसे खुली होती है और ऐसे बंद हो जाती हैं, कैसे करोगे टच करोगे, ऐसी खुली होती हैं और ऐसे ना शर्मा जाते हैं, तो ऐसे बंद हो जाती हैं। बट ये बेटा ग्रोथ नहीं है, तो सारा टाइम बाद वो अपने आप खुल जाती हैं, होती है मैकेनिज्म, पर अभी के लिए समझो टच मी नॉट। तभी तो ये प्लांट कहता है टच मी नॉट, मुझे छूना नहीं, छूना नहीं भाई, टच करोगे तो मैं ऐसे शर्मा जाऊँगी, और वो लीव्स बंद हो जाती हैं। ये रिस्पॉन्स इनने एक्चुअली डिवेलप किया है अपने डिफेंस के लिए, ठीक है, समझा करो। तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। एनिमल्स में नॉन ग्रोथ मूवमेंट क्या है, तो आ जाओ बिल्ली पे, अरे बिल्ली इतनी देर से दौड़ रही है, पहुंची ही नहीं कहीं पे,
अभी तक दौड़े ही जा रहे हैं. सो लाइक एग्जैक्टली रनिंग ऑफ कैट, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, डांसिंग, ये सब नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स. अरे इसमें कोई ग्रोथ तो थोड़ी ना है. अब इधर से ऐसा थोड़ा ना होगा कि यहाँ से मैं चली यहाँ तक चल गई और मेरी ना हाइट बढ़ गई है, एक सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर नॉन ग्रोथ. यहाँ से वहाँ तक बॉडी में ऐसा कोई ग्रोथ नहीं आई है आपके. यू आर जस्ट मेयरली मूवमेंट जिसे कहते हैं, सिर्फ मूवमेंट वो हुआ, जैसे रनिंग ऑफ कैट, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, काउ एंड बफेलो च्यूइंग द कड. तो ये सब होते हैं नॉन ग्रोथ. मुझे बताओ ये पॉइंट समझ आया है कि नहीं, मूवमेंट्स का इंपॉर्टेंस नंबर वन, एंड दूसरा इनका डिफ्रेंसिएशन इन ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये चैप्टर मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जितने हम चैप्टर्स देखेंगे आगे, बिकॉज लाइफ प्रोसेसेस इज समथिंग जो हम हाँ यार जानते थे पहले से, न्यूट्रिशन वगैरह बहुत देखा था, फोटोसिंथेसिस, बट ये यहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. हम न्यूरॉन की कहानी को देखेंगे, ग्लैंड्स कैसे वर्क करते हैं वो देखेंगे, प्लांट में मूवमेंट्स देखेंगे. तो थोड़ी नई कहानी है, तभी कह रही हूँ कि अच्छे से सुनो, जो भी लेक्चर है उसे अच्छे से सुनो, रिपीट देख सकते हो. एंड किसी स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैम इस टाइम पे हम स्कूल में होते हैं या कहीं और होते हैं, तो यार चिंता क्यों है. यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ हैं, एनी टाइम यू कैन वॉच, कोई भी टाइम आप देख सकते हो ये वीडियो, और ऐसा फील करो कि उसी टाइम क्लास चल रही है. ठीक है चलो आओ, अगर ये बात पे समझे हो तो आ जाओ. ऑल मूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फैक्ट अकर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. क्या कहानी कही है, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये क्यों होते हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्स की वजह से. क्या बोला मैम, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ऐसे यहाँ से पीछे से आगे किसी ने किया ऐसे, यहाँ पे मैं ऐसे खड़ी हूँ आराम से, मैं खड़ी हूँ बिल्कुल, किसी ने आगे किया ऐसे, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा. अरे वो दोस्त नहीं होते फालतू वाली मस्ती करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे फिर इधर पहुँच जाएंगे, फिर तो ऐसे किया मैं ऐसे मुड़ी, फिर किसी ने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं ऐसे मुड़ी, यहाँ पे टच किया ऐसे, तो मैं क्यों मुड़ रही हूँ भाई, क्यों मुड़ रही हूँ मैं, बिकॉज कहीं ना कहीं से बाहर से मुझे किसी ने ऐसे ऐसे टैप किया. वो टैप किया यानी क्या, स्टिमुलस हुआ. क्या बोल दिया मैम, स्टिमुलस ये कैसा नाम है, डर गए हैं ना सुनते ही नाम. देखो स्टिमुलस कुछ नहीं होता, स्टिमुलस इज जस्ट लाइक एक एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल जो हम कहते हैं ना चेंज आता है, इन्वायरमेंटल चेंज आता है. यानी जैसे ये अभी मैं नॉर्मल खड़ी हूँ लेकिन कोई अगर आके ऐसे टैप करेगा तो मुझे पता चलेगा, तो यहाँ मेरे जो सेल्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, इनको हुआ टैप तो इन्हें मिला स्टिमुलस कि भैया यहाँ किसी ने टच किया है, टच किया है तो ये जाता है ब्रेन तक, फिर मैं मुड़ के देखती हूँ. इज इट क्लियर और नॉट. तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो गया. ऐसे ही प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग टाइप के स्टिमुलसेस होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं बॉडी में, ग्रोथ होती है, नॉन ग्रोथ होती है और मूवमेंट होता है. ठीक है, तो यही लाइन यहाँ दी है बेटा, देखो क्या दिया है. All movements in living organisms, in fact, occur in response to changes in the environment. मतलब ऐवे मूवमेंट नहीं हो रहा यार, मैं ऐसे खड़ी रहूँगी तो मैं ऐसे खड़ी रहूँगी ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, किसी ने टैप किया तब मुड़ूंगी. अच्छा टैप तक छोड़ दो, टैप तक छोड़ दो, यहाँ है, यहाँ से किसी के पीछे से चिल्लाने की आई आवाज़, पलक मैम सुनिए, तो मैं एकदम से पीछे देखूंगी, क्यों भाई, अरे मुझे मेरा नाम सुनाई दिया तो मैंने मुड़ के देखा, मुड़ के देखा तो वो जो साउंड आया दैट कैन ऑल्सो बी अ स्टिमुलस. तो मतलब बेटा स्टिमुलस इज एनीथिंग विच वी कैन सेंस. क्या बोला मैंने, स्टिमुलस इज एनीथिंग विच वी कैन सेंस. ये देख रहे हो सेंसरी ऑर्गन्स, टच है, टेस्ट है, साउंड है, फील है, ये सब कह सकते हैं हम क्या है, स्टिमुलस है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस. इट्स नॉट मियरली हर बार ऐसे ऐसे टच की जरूरत नहीं भाई, दूर से भी बुला सकते हैं, बुलाएंगे तो मैं ज़रूर मुड़ूंगी. ठीक है समझ गए, और राइट तो ऐसे ही मैं आपको कभी मिल जाऊँ आप बताओगे तो मैं ज़रूर मुड़ूंगी, समझ गए. ओके सो लेट्स कम टू अ गुड डेफिनेशन फॉर स्टिमुलस. एंड वैसे मैं हर बार नहीं कहती पर जो जो चीज़ें मैं कहूँ ना बेटा ऐसी की ऐसी नोट डाउन कर लिया करो. यूजुअली आई टेल स्टूडेंट्स दैट यू प्रिपेयर योर नोट्स, यू स्टडी फ्रॉम हेयर, आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखो सो यू कैन रिमेंबर इन सिंपल. बहुत लंबे लंबे भैया अपन को ना स्टैंजास पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, इंग्लिश नहीं है ये, वन थियोरी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे थियोरी, जैसे इंग्लिश हिंदी, वट वी आर स्टडिंग बायोलॉजी, तो आपको समझना ज़्यादा है यहाँ पे, एंड दैट टू इट्स ओलंपियाड. बट जहाँ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आपके इवन एग्जाम्स में भी काम आएगी आपको, उसे नोट डाउन करो. स्टिमुलस के डेफिनेशन है, वॉट इज द डेफिनेशन, लेट्स रीड इट एंड टिल द टाइम यू गाइज नोट डाउन. द चेंजेस इन द एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स
टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिम्युलाय और सिंगुलर में स्टिम्युलस. ये हमेशा की कहानी है, समझ जाओ. सिंगुलर में एक वर्ड कहते हैं स्टिम्युलस, एक हुआ तो स्टिम्युलस, ज़्यादा हुए तो स्टिम्युलाय. ऑलराइट, बिकॉज ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना. आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बार बार इन्वायरमेंटल फैक्टर ये नहीं कहूँगी, आई सिंपली से स्टिम्युलस या स्टिम्युलाय. सो आई होप तब आप मेरी बात समझ जाओ. नोट डाउन कर ले, डेफिनेशन नहीं कर पाया तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए भाई आगे आए. नाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वही जो पलक मैम ने जैसे बताया, जो सेंस कर सकते हो क्या क्या है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड, वाटर करंट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एटसेट्रा एक्ट एज स्टिमुलाय टू इंड्यूस रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम. रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, जैसे मुझे आवाज़ आई तो मैंने ऐसे देखा, या फिर कहीं से ऐसा होता है ना, घर में कभी कुछ गिर जाता है बहुत ज़ोर से, किचन में सबसे ज़्यादा तो बर्तन गिरते हैं, कैसे देखते हैं अपन, एकदम क्या हो गया जाके देखते हैं फिर, तो ऐसा होता है ना, तो ये रिएक्शन किया, या किसी ने बुलाया तो रिस्पॉन्स किया. ये सब कब होते हैं, जब कोई भी हमें स्टिमुलस हो. फॉर इंस्टेंस, अब एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, देखना. फॉर इंस्टेंस, प्लांट ग्रो टूवर्ड्स सनशाइन, प्लांट ग्रो टूवर्ड्स सनशाइन. दो बार बोली ये बात, क्या है प्लांट जो होता है ना, प्लांट्स में एक ऐसी एक्टिविटी होती है, आगे देखोगे, डोंट वरी, यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम आगे क्या देखने वाले हैं. जब हम प्लांट्स में पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओवर देयर वी विल सी ये जो प्लांट के मूवमेंट्स होते हैं टूवर्ड्स सनशाइन, यानी जहाँ सूरज की रोशनी आ रही है, मतलब मैं प्लांट हूँ. हाँ, वही प्लांट, ऐसे बचपन में पेड़ बनते थे, है ना. ऐसा मैं पेड़ तो नहीं बनी कभी, आई यूज़ टू डांस, बट ठीक है अभी के लिए पेड़ बन जाती हूँ. चलो पेड़ बन गए, नाउ यहाँ पे आ रही है सनशाइन, मेरे इस साइड आ रही है सनशाइन, तो ये जो है मेरा पेड़, ये जो मेरी लीव्स हैं, ये सब कहाँ हो जाएंगी, इधर हो जाएंगी जहाँ पे सनशाइन आएगी. अब मान लो उधर से आ रही है लाइट, तो इधर बोलो मैम हर बार डांस करते रहेंगे, नॉट एवरी टाइम की बात नहीं है, अगेन बता रही हूँ, जब प्लांट मूवमेंट्स देखोगे तो समझ जाओगे. अभी के लिए समझो, अभी के लिए यहाँ पे चलो एक काम करते, अपन मार्क करते जाते हैं, यहाँ पे स्टिमुलस कौन है, यहाँ पे स्टिमुलस कौन है, इधर हो गया स्टिमुलस सनशाइन. कैट इज रनिंग आफ्टर अ माउस और अवे फ्रॉम अ डॉग, तो यहाँ स्टिमुलस क्या हुआ, माउस. बोलो मैम अच्छा ये चूहे बिल्ली भी हो सकते हैं, अरे कुछ भी हो सकता है स्टिमुलस. कैट यहाँ तो चूहे के पीछे दौड़ रही है, अरे अपने टॉम एंड जेरी, या फिर डॉग से दूर दौड़ रही है, तो टॉम एंड जेरी में ही वो था ना, अरे यार उस डॉग का नाम मुझे याद नहीं, किसी को याद है कि बताओ जल्दी से. टॉम एंड जेरी में जो डॉग होता था उसका नाम, आई कैंट रियली रिमेम्बर दैट, पता नहीं नाम था भी या उसका नहीं था, बेनाम था वो. तो जब टॉम जेरी के पीछे दौड़ रहा है तो जेरी हो गया स्टिमुलस, क्यों, क्योंकि वो उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको देख गया उसके पीछे दौड़ रहा है. नाउ टॉम जो है उस डॉग से, जिसका नाम आप मुझे बता दोगे अगर याद हो तो, डॉग से भाग रहा है, तो वो डॉग क्या होगा स्टिमुलस, क्योंकि उसे देख के भाग रहा है, अपनी जान बचा रहा है, ये स्टिमुलस हो सकता है. चिल्ड्रन आर गेटिंग फन एंड प्लेजर आउट ऑफ स्विंगिंग, झूला झूलते हुए मज़ा आ रहा है, तो झूला क्या हो गया, स्टिमुलस. काउ एंड बफेलो च्यू द कड टू ब्रेक टफ फूड इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट इट बेटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कड है जो खाया है वो हो गया स्टिमुलस. समझ गए स्टिमुलस कैसा है, ऐसा नहीं लग रहा था इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, या वो मार्क करते हैं उसमें. ओके नेवर माइंड, यहाँ हमने स्टिमुलस कर दिया मार्क, क्लियर है. चलो जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ये आया इधर, ये इधर आया, यहाँ से देखना एक चीज़, देखना अगर अच्छे से देख पा रहे हो, ये चल रहा है यहाँ पे, ये जो वॉर्म है ये यहाँ पे चल रहा है, और इधर से देखना यहाँ पे इसको एक स्टिमुलस आया, यानी ऐसा नहीं होता अटैक टाइप हुआ, यहाँ पे इसको एक अटैक टाइप हुआ और ये वापस जाने लगा, तो ये हो गया इसके लिए स्टिमुलस, यानी उसने देख लिया ना कि कोई आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, तो ये भाग गया पीछे, तो यही सब क्या कहलाते हैं बेटा, स्टिमुलस. ओके सिमिलरली अब हमारे में देखो, बहुत ही बेहतरीन है ये तो, और ये करते हैं अपन ज़्यादातर. वी क्लोज आवर आईज ऑन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट और वी विथड्रॉ आवर हैंड व्हेन वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट. ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इतनी बिजली आ रही है, देखो आंटी अंकल, दो अंकल हैं यहाँ पे और एक ही आंटी हैं, बहुत सारी लाइट आ रही है इनके मुंह पे, तो ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हैं, ऐसे. तो हम जब सनलाइट में जाते हैं, जब धूप आती है तो ऐसे नहीं करते, यूँ बात करते हैं. आई यूज टू रिमेंबर ना, जैसे ही मैं धूप में जाऊँगी बाहर अभी, तो ऐसे ऐसे हो जाता है मुँह मेरा यूँ, कि अरे बाप रे ये क्या है, एंड जब यहाँ आती हूँ तो नॉर्मल, फिर धूप आ जाती है तो ऐसे हो जाता है, इज़न्ट इट. तो ये क्या है बेटा, ये स्टिमुलस है, जो सनलाइट है, जो लाइट है, दैट इज़ द स्टिमुलस. हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, एग्जाम कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट जाना है ना, गर्म बर्तन को टच किया भग जाओगे वहाँ से, है ना,
भग जाओगे बिल्कुल ही, ऐसे छू के, ऐसा नहीं हाथ रखे रहने दोगे, ऐसे टच किया और बाबा बहुत गर्म है, इज़न्ट इट। तो ये सब क्या है, ये सब होते हैं स्टिमुलस। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट मूवमेंट्स रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकर टू प्रोवाइड एडवांटेज टू देम। क्या लाइन बोल दी, देखो जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं ना, ये स्टिमुलस से हम चेंज क्यों किया, रिस्पॉन्स क्यों किया, पता है क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं एडवांटेज पहुँचाते। बोलते हैं मैम, अरे अभी वो जो टॉम है जेरी के पीछे दौड़ रहा था, क्यों? क्योंकि उसे उसे खाना है, तो वो उसका एडवांटेज है। नाउ ये जो ये अंकल आंटी ये जो है ऐसे एकदम छुप रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि ये चाह रहे हैं इनकी जो आईज़ हैं ये बहुत सारी लाइट से बची रहें, ये बहुत सारी लाइट से, क्योंकि लाइट ओ आईज़ में, लाइट में थोड़ी ना, आईज़ में जो होते हैं हमारे कोन्स एंड रॉड्स जो हैं डैमेज नहीं हो जाए। ये कहानी आगे पढ़ोगे पूरा तभी नहीं बता रही हूँ मैं, है ना। आईज़ के सेल्स होते हैं कुछ जो डैमेज ना हो जाए, उस वजह से ऐसे ये कर रहे होते हैं बिल्कुल लाइट से बचाने के लिए। तो एडवांटेज हुआ कि नहीं अपना? अच्छा, गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखा, है ना, मतलब किचन में मस्त खाना बन रहा है, पसंद की चीज़ बन रही है, हलवा बन रहा है, गए बिल्कुल खुशी खुशी में, जो है ना हाथ लगा दिया बर्तन को, ऐसे ही उठा के निकालने लगे। हाथ छोड़ दोगे या वहीं पकड़े रहोगे बताओ? अब देख लेना, जैसा करना चाहो कर लेना। छोड़ते क्यों हैं? अपने आप को बचाने के लिए बेटा। अगर वो पकड़े रहोगे तो उसके बाद जो है ना यहाँ ऐसे ऐसे जल जाएगा पूरा और बर्फ़ लगाते ही मिलोगे। तो वाई डू वी डू दैट? फॉर आवर एडवांटेज, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, क्लियर? तो ये सारे रिस्पॉन्सेज स्टिमुलस से, वाई डू वी डू? फॉर आवर एडवांटेज, क्लियर? चलिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू स्टिमुलाई डिफरेंटली, वेरी ट्रू। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग स्टिमुलस में अलग अलग रिएक्ट करेंगे। सब अलग अलग हो गया, क्या है, जितने ऑर्गेनिजम्स है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्टिमुलाई है, विच डजंट मीन कि यार एक स्टिमुलस पे सब सेम रिएक्ट करे। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल अभी बेटा पीछे देखा था अपन ने, सनशाइन आ रही थी, सूर्य की रोशनी, है ना, सनशाइन आ रही थी। तो सनशाइन में प्लांट्स में हमने क्या देखा, प्लांट्स में पीछे ही बता दिया था, प्लांट्स क्या करते हैं, दे ग्रो टूवर्ड सनशाइन, प्लांट्स क्या करते हैं, दे ग्रो टूवर्ड सनशाइन। इधर आ जाओ, अच्छे से बता देते, अब बता ही रहे हो मैम, तो अच्छे से ही बता दो, आओ। सनलाइट देख लिया था, इसका एक एग्जाम्पल इस लाइन का। प्लांट्स में क्या हो रहा था, प्लांट्स में जब सनलाइट आ रही थी तब क्या हुआ था, तब प्लांट्स को हमने देखा, दे ग्रो टूवर्ड्स सनशाइन, यानी जिस तरफ सनशाइन हो उस तरफ ये ग्रो करते हैं, जैसे सनफ्लावर सनशाइन सनलाइट की तरफ में खुलता है ऐसे। तो ये हो गई प्लांट्स की कहानी। अब जब ह्यूमंस हम इंसान जब देखते हैं सनलाइट को, ऐसे सनलाइट जब पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, बंद या बहुत छोटी कर देते हैं, वी क्लोज अवर आइज, ऐसे धूप में निकलते नहीं हो, यूं ऐसे चाइनीज बन जाते हो सब। क्यों बनते हो भाई, क्यों बनते हो, कभी सोचा भी है, इतना सोचते हो? तो मैम इतना सोचा ही नहीं आज तक, तो अब सोचो, क्लोज कर देते हैं क्यों, बिकॉज ये एक स्टिमुलस था और ये हमने क्लोज किया अपने एडवांटेज के लिए, ताकि एक्सेस सनलाइट नहीं जाए आंखों में। तो एक बात बताओ, सनलाइट आ तो एक ही चीज़ रही है, यानी ये स्टिमुलस एक ही है, देखो बेटा स्टिमुलस तो ये एक ही है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड ह्यूमंस डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। एक उसकी तरफ ग्रो करता है तो दूसरा उससे बचता है, यानी आंखें बचाता है अपनी, क्लियर है? ये एक लाइन समझ गए इतने से एग्जाम्पल से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ये सवाल है, इसका जवाब मैं देती हूँ। एंड दे देयरफॉर डू नॉट पोजेस एनी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सुन लो अब, ये तो हमें पता है कि भैया प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अब एक लाइन मैं कहूँगी, ध्यान से सुनना, यहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इधर अगर उल्टा सुन लिया ना तो फिर खिचड़ी पका दोगे। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम जैसे ह्यूमंस में होता है वैसा नहीं है, लेकिन इन रीसेंट स्टडीज़ ऐसा डिस्कवर किया गया है, कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे, कुछ कुछ मस्टर्ड की ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ पे पाया गया है नर्वस सिस्टम, इस टाइप के सेल्स पाए गए हैं। बट लेकिन 5-6 बार लेकिन कह दूंगी मैं, हमारा जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें यहाँ लिखा है प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, एंड बिल्कुल सही बात है, यूजुअली नहीं होता है। वो तो साइंटिस्ट का काम क्या है भाई, देखो वो सब कंटिन्यूस डिस्कवरीज कर ही रहे हैं, तो जब तक व्हेन इट गेट ऑल फाइनलाइज्ड एकदम प्रॉपरली तब वो आता है यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं। तो फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि मोस्टली देखो एक कितना प्यारा इंग्लिश में ना, बहुत ही ध्यान से देखा करो,
एक एक वर्ड में बहुत सारी बातें होती हैं। इनने कहा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ऑल प्लांट्स नहीं कहा है। ऑल और मोस्ट में फर्क समझते हो कि नहीं, इतना बताओ। ऑल यानी सारे, मोस्ट यानी ज़्यादातर। तो ज़्यादातर प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है ना। हम यूजुअली बात किसकी करते हैं, ज़्यादातर की, है ना। यहाँ पे 10 लाख रुपए हो, यहाँ पे 10 रुपए हो, कोई नहीं देखेगा 10 रुपए को, समझ गए। तो ज़्यादा की बात करते हैं ना, तो वैसे ही मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की बात करो, नर्वस सिस्टम नहीं होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। और ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर भी नहीं है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को एक्सेप्ट करें। ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम ऑफ सॉइल बाय रूट्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये सब चल भी नहीं सकते, रूट से जुड़े रहते हैं, ऑफकोर्स चलते हुए प्लांट तो है नहीं। स्टिल प्लांट्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब बोलोगे प्लांट्स फिर भी रिएक्ट कर रहे हैं मैम, ऐसे कैसे बिना नर्वस सिस्टम की, ये कैसी बात है। मतलब ना बिना पेट्रोल के गाड़ी चले ही जा रही है, 10 किलोमीटर चल गई, ऐसी बात हो गई है, कैसा है, ऐसे कैसे मैम। तो ये देखो, ये जो हम पढ़ाते हैं ना आपको, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम, ये उसी की बात है। प्लांट के हॉर्मोन्स, मतलब सोचो हॉर्मोन्स का इतना इम्पोर्टेंस है। अकेले ये, अकेले इनकी वजह से प्लांट जो है स्टिमुलस में रिएक्ट कर सकता है। कोई भी स्टिमुलस आया सो इट कुड रिएक्ट। कितनी कहानी क्लियर हुई ज़रा बताओ, कितनी परसेंट क्लियर हुई है बताओ। समझ गए प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस को, अभी तो बोला सनशाइन की तरफ उग रहा है, टच मी नॉट वाला प्लांट है, टच मी नॉट होता है ना, ऐसे पत्तियाँ खुली रहती है, उसको छुओ तो वो बंद हो जाती है। तो ये कैसे किया भाई, उसको कैसे पता चला, उसको किसने बताया, तो ये हॉर्मोन्स की वजह से। और इन्हीं हॉर्मोन्स को बेटा प्लांट हॉर्मोन्स पर्टिकुलर वीडियो हम कवर करेंगे उसमें, तो डोंट वरी, सबकी कहानी देखेंगे। इज इट क्लियर, आओ आगे। द प्लांट हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर ईदर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट स्लोली। एग्जाम्पल, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट बाय बेंडिंग टूवर्ड्स इट। दो चीज़ें सुनो, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, उस हफ्ते में समझते जाओ। प्लांट हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं, तो वो पहले स्लोली स्लोली ग्रोथ पे अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी सनलाइट वाला देखा उस तरफ बेंड हो जाते हैं स्लोली। अरे मैंने ये नहीं कहा, अब ना बाहर जाके कुछ है प्लांट्स को देखने लगेंगे कि सनलाइट आई, अच्छा प्लांट्स ने ऐसे डांस किया, सनलाइट चली गई, फिर ऐसा। अरे ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ है, बहुत ही स्लो ग्रोथ। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई जस्ट सॉ प्लांट व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम माय होम, मैंने इतना क्लियरली देखा है वो प्लांट, प्लांट लिटरली सनलाइट इसी डायरेक्शन में आती थी, एंड दैट आई पर्पसली ऑल्सो केप्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, मैं भी देखना चाहती थी। अरे मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट्स करने में, देखा करो घर में ही कर सकते हो 10-15 चीज़ें। तो वो ना ऐसे हो गया है प्लांट, ऐसे पूरा बेंड हो गया है वो प्लांट। क्यों, ये एक दिन में नहीं हुआ है पहली बात तो, है ना, इसको टाइम लगा है। वो 2-3 महीने तक वो प्लांट ऐसे ही रखा था उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो अब मैंने देखा है तो स्लाइटली ऐसे बेंट हो गया है टूवर्ड्स जहाँ पे सनलाइट आ रही है। तो पहला काम तो ये करते हैं प्लांट के हॉर्मोन्स, या फिर क्या कर सकते हैं, दे कैन डू सो बाय अफेक्टिंग द शेप ऑफ प्लांट सेल्स बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। जैसे रिस्पॉन्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका टू टच बाय फोल्डिंग अप एंड ड्रूपिंग इट्स लीव्स। ये देखो ना, ये देखो, ये आई उंगली कहीं दिखे तो इस प्लांट को, है ना, बिल्कुल करके देखना, बहुत मज़ा आता है। ये ऐसे आप टच करोगे उसको और वो प्लांट पूरा यूँ ऐसे बंद हो जाता है, पर ये परमानेंट नहीं है, तभी तो ये नॉन ग्रोथ है। थोड़ी देर बाद बेटा ये खुल भी जाता है, डरना नहीं है ना, खुल जाता है वो, मैम तो बंद हो गया, वो तो गया नहीं, खुल जाएगा। तो या तो ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड responses of different animals to light touch or other stimuli vary a great deal, बहुत ही अलग तरीके से वेरी करते हैं, और वो जो ग्रेट डील है वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। Among animals, अब प्लांट्स की बात तो हो गई भाई, अब आओ एनिमल्स पे। Among animals, simple organisms respond to external stimuli by moving towards them or away from them. क्या बात है, देखो stimuli में या तो वो उसकी तरफ जाएंगे, या तो वो, जैसे ये देखो भाई ये कौन है, अरे ये नहीं पहचाने तो क्या पहचाना, ये अमीबा है, ऐसा ऐसा स्पिट टाइप स्ट्रक्चर जो भी दिखे ना, स्पिट जैसा, थूक जैसा, वो अमीबा होता है, वो ऐसा ही दिखता है भाई। तो अमीबा जैसे, अमीबा ने फूड वैक्यूल देखा, फॉर इंस्टेंस पढ़ते हैं ना, अरे पिछले सेशंस में पढ़ा था अपन ने न्यूट्रिशन में, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा देखो जब फूड वैक्यूल को देखता है तो ये जो है महाराज, ये देखो उसकी तरफ चलने लगते हैं स्यूडोपोडिया, उसकी तरफ निकालने लगते हैं, यानी टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स देम, जैसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और अभी पीछे जो मैंने एक वर्म दिखाया था, मतलब उसको आके किसी ने ऐसे टच कर लिया या काट दिया, जो भी छोटा सा इंसेक्ट होगा, तो वो दुम दबा के भगने लगा, दौड़ गया उससे दूर। तो यानी या तो मूव अवे हो सकते हैं या मूव टूवर्ड्स हो सकते हैं। मूव अवे जैसे नेगेटिव रिस्पॉन्स हो गया,
मूविंग टूवर्ड्स इट इज पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अवे फ्रॉम इट इज नेगेटिव. अमीबा अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर इंस्टेंस, सेम ही बात कही है, देखो क्या कहा है, रिएक्ट्स टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टूवर्ड्स द फूड पार्टिकल, पॉजिटिव हुआ. ऑल्सो इसी का एग्जाम्पल दिया है, अ नंबर ऑफ अमीबा रिस्पॉन्ड टू हीट स्टिमुलस एंड टेंड टू कलेक्ट टुगेदर इन मॉडरेटली वार्म वाटर, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस. क्या बोला मैम, पहली कहानी तो समझ गए, अमीबा की फूड दिखता है, अरे खाना दिखता है, हम ही नहीं, टेस्टी खाना दिखा, खुशबू आ रही है, कुछ खुशबू आ रही है, और चले जाते हैं देखने किचन में. करते हो कि नहीं ऐसा, बैठे हुए हो बहुत देर से, बैठे हो फ़ोन पर, बिल्कुल नहीं उठ रहे हो, जैसे ही खाने की खुशबू आई उठ के चले गए किचन में, यानी यू मूव्ड टूवर्ड्स द फूड, टूवर्ड्स मूव किया, यानी क्या, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस. ऑल्सो काफ़ी अमीबा ऐसे होते हैं जो हीट स्टिमुलस पे रिएक्ट करते हैं. किस पे रिएक्ट करते हैं, हीट स्टिमुलस. हीट स्टिमुलस पे कैसे, काफ़ी सारे अमीबा ऐसे होते हैं जो कि वार्म वाटर, मॉडरेटली वार्म वाटर में जो है कलेक्ट हो जाते हैं. वार्म वाटर में क्या, थोड़ा सा दूर भगते हैं, कि ये ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं कि हमें थोड़ा वार्म जगह मिल जाए, दूर भगते हैं यानी मूविंग अवे. तो ये क्या हो गया, ये भी मूविंग टूवर्ड्स, सॉरी मूविंग अवे तो वाली बात नहीं है, ये जैसे वार्म वाटर की तरफ जा रहे हैं तो टूवर्ड्स हुआ, वार्म वाटर की तरफ जा रहे हैं तो टूवर्ड्स हुआ, यानी पॉजिटिव थर्मोटैक्सिस. थर्मोटैक्सिस यानी क्या, गर्म पानी. और ठंडे से दूर भागेंगे मतलब नेगेटिव थर्मोटैक्सिस, समझ गए, ठंडे से दूर भाग रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, गर्म के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव. क्लियर है, समझ आ गई बात सिंपली. अरे जैसे प्लांट्स में देखा था वैसे एनिमल्स में देख रहे हो. बट ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अमीबा रिएक्ट टू मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स बाय अवॉइडिंग देम, यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं मैकेनिकल ऑब्स्टिकल्स की वजह से. इन मैकेनिकल बेसिकली बहुत ही सिंपल समझा करो, इसे फिजिकल कह दिया करो, फिजिकल यानी जो ये इन्वायरमेंट में फिजिकल चीज़ें होती हैं उन स्टिमुलस से ये दूर भागते हैं. जैसे उस वॉर्म को देखा तो वैसे ये अमीबा भी दूर भागते हैं. नाउ इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हाउएवर द रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर नॉट एज सिंपल एज डिपेक्टेड बाई सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. कितनी जाहिर सी बात है, कितनी ऑब्वियस बात है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से सब काम हो रहा है तो दिक्कत नहीं है. मल्टी सेलर इंसान है ही कॉम्प्लिकेटेड भाई, हम इंसान, हम एनिमल्स हैं ही कॉम्प्लिकेटेड. इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो स्टिमुलस की कहानी भी आसान नहीं. तो उसी पे तो ये पूरा कथा लिखा है, पूरा कथा यानी पूरा जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तभी हम अलग से पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन क्या, कितना कॉम्प्लेक्स काम है भाई, कितना कॉम्प्लेक्स काम है. तो उसी काम को हम देखेंगे. दीज एनिमल्स पजेस नर्वस सिस्टम एंड मसल्स, इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सही से. दे देयरफॉर शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन डिफरेंट वेज, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस से तभी ये अलग टाइप का एक रिएक्शन दिखाते हैं. क्यों, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि हम कितने सेंसेस वाले हैं ह्यूमंस, 5 सेंस होते हैं हम में कि नहीं, 5 सेंसेस आगे डेवलप हो गए, कम सेंसेस से ज़्यादा सेंसेस. मतलब आज मान लो आज आपने जैसे किसी प्लांट की लीफ को प्लक किया तो वो कम सेंसेस वाली है तो उसे इतना दुख नहीं होगा, और किसी इंसान की ऐसे ऐसे जो है ना आपने उंगली काट दी, उंगली निकाल दी, प्लांट की लीफ तोड़ दी और इंसान की उंगली काट दी, फ़र्क है कि नहीं, बिल्कुल है. क्यों, बिकॉज हम डेवलप हो चुके हैं बेटा 5 सेंसेस तक, यानी हम ज़्यादा सेंस कर पाते हैं, हम ज़्यादा सेंस कर पाते हैं तो हमें दर्द भी ज़्यादा होता है, दुख भी ज़्यादा लगता है, कम वालों को नहीं. तभी तो कहते हैं इंसानों को दुख मत दिया करो भाई, है ना, हम जो है दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, सबसे पहले तो इंसानों को दुख देना बंद करो, बिकॉज हम डेवलप हो चुके हैं 5th सेंसेस. और इंसान, कितने सारे एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं जो कि डेवलप हुए हैं. तो जैसे अपन नॉन वेजिटेरियन वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, यही बात होती है कि सेंसेस इतने डेवलप हो जाते हैं तो जब आप उन्हें जो है इस तरह से यूज़ करते हैं तो पेन भी ज़्यादा होता है. अब सबका अलग अलग वे है रिस्पॉन्स करने का. ह्यूमंस जो है, अब ऐसे किसी के ना ऐसे ऐसे कान खींचना, कोई अलग तरीके से चिल्लाएगा, कोई अलग चिल्लाएगा, ऐसे ही सेम एनिमल का करना. अब डॉग चिल्लाएगा तो नहीं, वो सीधा बेटा काटेगा, फिर इंजेक्शंस, है ना. तो सबके अलग अलग वेज होते हैं. हायर एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, व्हेन दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई ईच रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस जनरली इन्वॉल्व्स मेनी ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी. फॉर इंस्टेंस, अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे. ड्यूरिंग इंजेशन, इंजेशन यानी क्या, खाना जब आपने अंदर लिया, आईज लोकेट द फूड. अब इसके लिए इसको देखो ज़रा, इसको देखो, इस आदमी को देख रहे हो, ये यहाँ से सैंडविच मुंह में डाल रहा है, उसकी आंखें देखो, पहले उधर गई, उसने सैंडविच यहाँ से लिया, यूँ ये सैंडविच दिख रहा है और मुंह में दिया. तो इंजेशन के टाइम देखो, ये एक आंख,
एक इन्वॉल्व हो रहा है ऑर्गन, इसने देखा खाने को, ये मैंने लिया, देखो वही तो दिया है, टेकिंग इन ऑफ फूड, आईज लोकेट द फूड, आंखें जो हैं फूड को लोकेट करती है। अब जैसे मान लो मोमोज खा रहे हैं, ठीक है, मोमोज की याद आ गई, मोमोज खा रहे हैं, मोमोज यहाँ से, मैंने पूरी नज़र जा रही है बेटा, पूरी नज़र यहाँ से मोमोज उठाया, चटनी डाली वहाँ पे, मतलब चटनी मान लो लेफ्ट साइड रखी है, मोमोज उठाया, यहाँ चटनी ली, ये मोमोज लिया, मुंह तक आया, और उसके पास नाक ही है, वो सूंघ लेगी, सूंघते ही बता दूंगी भैया को, बोल दूंगी भैया मोमोज बहुत अच्छे बने हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, तो यानी नोज ने जो है स्मेल कर लिया। फिर हैंड जो है खाने को उठाते हैं, ये भी पता है, फिर मुंह खुलता है, जाता है, दांत चबाते हैं, और ये पूरी कहानी लिखी है। टीथ एंड जॉ मसल्स हेल्प इन द मास्टिकेशन ऑफ फूड, अब उसी के साथ साथ निकल आता है हमारा सलाइवा, और अभी से मुंह में पानी आने लग गया। अरे सलाइवा के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ मात्र सोचने से ही खाने के बारे में आपको आ जाता है सलाइवा। सलाइवा मॉइस्टन्स इट एंड स्टार्ट्स द डाइजेशन प्रोसेस व्हाइल द टंग परसीव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मूव्स द पोलस। टंग जो है टेस्ट बता देगी कैसा है, तीखा है, तीखा हो तो बोलेंगे भैया मिर्ची थोड़ी कम कर दो, ठीक है, समझ गए। Therefore, it is necessary that all the concerned organs of the body should work in a systematic manner to produce the response. Yani kya? Sabhi system se work karna chahiye, coordination behtareen hona chahiye, taki jo aap chahte ho, waisa hi result aapko mile. Very important definition. Ab is definition ko beta note down kar lo zara. Kiski? Coordination ki. Let's read the definition. The working together of various organs or parts of the body of an organism's in a proper manner to produce proper reaction to a stimulus is called coordination. Proper ho gaya. Achhi definition se dekho kya hai, working together of various organs of the body of an organism to produce proper manner to produce proper reaction sorry to produce proper reaction to a stimulus. Sahi reaction de paaye sahi tarike se kisi stimulus ko, ise kehte hain coordination. Definition acha side to ho jaun, bolo ma'am side to ho, phir note down karenge, karo bhai note down, नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे। फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड, अब ये आता है मेन हीरो आ गए बेटा, बेटा ट्रेलर खत्म होने वाला है, आ जाओ, अब ट्रेलर में बता दिया थोड़ा क्या आने वाला है। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम दोनों पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम तो जानता ही हो, एंडोक्राइन सिस्टम जरा देखो, ये आपकी बॉडी में कितनी कितनी जगह आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड्स हैं, फीमेल्स में ओवरीज हैं, मेल्स में टेस्टिकल्स हैं, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, कितने सारे, ये सब जो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नाउ प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, इसलिए हमें पता है उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है, मेन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑन दी अदर हैंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, नर्वस सिस्टम भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ध्यान से सुनो, प्लांट्स में बेटा नर्वस सिस्टम नहीं होता है, दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम, सो दे कैन मेयरली शो केमिकल कोऑर्डिनेशन। वाई? क्योंकि उनके पास होते हैं हॉर्मोन्स, और हमारे पास दोनों हैं, नर्वस सिस्टम भी है और हॉर्मोन्स भी है, तो हम दोनों दिखाते हैं, नर्वस वाला भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, ठीक है, समझ गए। इन द फॉलोइंग अकाउंट यू विल फर्स्ट स्टडी नर्वस कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स, प्लांट्स, सब देखेंगे हम, सब देखेंगे, सबकी कहानी देखेंगे हम, जो शुरुआत करेंगे हम, शुरुआत करेंगे किससे, नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है, बिल्कुल आई होप इस वीडियो से क्लियर हो गए हो आपके सारे कॉन्सेप्ट, स्टिमुलस क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, और आगे अगर लगता है कि मैम फिर से सुनना है तो अरे वीडियो को पीछे कर दो, सब सुनाई दे देगा, क्लियर है। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम समझे हो कि नहीं, ओके, सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि क्या आगे कहानी आने वाली, तो बिल्कुल सारे सेशंस टाइमली जो है आप देखना, सीक्वेंस वाइज देखोगे तो बेटर रहेगा, और टाइमली अगर उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो तो चिंता नहीं, बोला ना प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, और कैसे जा सकते हो प्लेलिस्ट तक, तो ये देखो magnetbrains.com टाइप करोगे, ओवर हेयर यू विल रिसीव दिस काइंड ऑफ अ पेज, एक ऐसा पेज दिखेगा, है ना, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, किसी भी वीडियो में भैया कोई भी चार्ज नहीं है। लेफ्ट साइड में देखो कोर्सेज हैं, इंग्लिश हैं, हिंदी हैं, K-12 पूरे हैं, KG से लेकर 12th तक आप जाओगे इंग्लिश में, यहाँ क्लासेज हैं, है ना, आप 10th क्लास में हो तो आप 10th क्लास टिक करोगे, अब उसमें भी फॉर ओलंपियाड की प्रिपरेशन जो जो कर रहे हैं ओलंपियाड पे क्लिक करो, बाकी टीचर्स के बहुत ही बेहतरीन वीडियो, ये भी बिल्कुल फ्री हैं, और यहाँ मेरा चेहरा दिखेगा, यहाँ वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है, यू विल क्लिक दिस काइंड ऑफ पेज विल ओपन अप, ठीक है, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज सारे वीडियोज अरेंज्ड हैं, एंड यहाँ पे देखो, इधर देखो कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले अपन ने देखो सिलेबस ओवरव्यू देखा है, क्या वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के टाइम लेंथ भी है,
कि इतना लंबा वीडियो है, तो भैया तैयारी करके अपन को बैठ जाना है। इज इट क्लियर और नॉट? चलो भाई, चैप्टर वन तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके वीडियोज़ भी अपना क्लियर कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो। कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे कमेंट करके बताओ कि हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर दिस होल चैप्टर। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।